दोस्तों आपने ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू कर दिया है एक अच्छी वेबसाइट भी बना ली है पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे करेंगे यानी अपने आर्टिकल की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे नमस्कार मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान द नॉलेज में दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जी हाँ आज मैं आपको आपकी वेबसाइट या आपका आर्टिकल कह लीजिए उसकी स्पीड के बारे में बताऊंगा कि आप उसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि दोस्तों गूगल के अनुसार आपकी जो वेबसाइट है वो टू पॉइंट फाइव सेकेंड्स में ओपन हो जानी चाहिए अगर इससे ज़्यादा समय लगता है दोस्तों तो जो व्यूअर है जो पर्सन आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है जिसने वो आपकी वेबसाइट पर रुकेगा ही नहीं और आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट में विजिट कर जाएगा तो दोस्तों उसको आप कैसे, अपनी स्पीड सकते हैं? अपनी की? कैसे आप चेक करेंगे अगर की? की? आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे और बढ़ते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर दोस्तों आपको जिस प्लगइन के बारे में मैं बताऊंगा कि जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी वो प्लगइन है स्मैश स्मैश के लिए दोस्तों आप कैसे इंस्टॉल करेंगे कैसे वर्क करेंगे आप प्लग में जाइएगा प्लग में जाने के बाद दोस्तों आप एड न्यू पे लिखा है इस पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ देखिए यह लिखा है सर्च प्लगइन्स आप यहाँ क्लिक कीजिएगा ये लिखा है स्मैश ठीक है दोस्तों जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने बहुत सारी प्लग आ जाएंगी दोस्तों पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाली प्लग को इंस्टॉल कीजिएगा ठीक है दोस्तों यहाँ इंस्टॉल नाव पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप इंस्टॉल नाव पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये कुछ एक सेकंड्स लेगा उसके बाद यहाँ एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा आप इसे एक्टिव कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों अगर जब तक ये इंस्टॉल होती है तब तक आप जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए एक्टिव आ चुका है एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ एक सेकेंड्स में ये भी एक्टिव हो जाएगी और ये आपकी प्लग में इंस्टॉल हो जाएगी देखिए ये ये रही दोस्तों ये आ चुकी है अब दोस्तों यहाँ आप ये इसकी सेटिंग देख रहे हैं सेटिंग्स यहाँ क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स में जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग्स में क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ लिखा है बिगिनिंग सेटअप आप इस पर क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट कर दीजिएगा नेक्स्ट कर दीजिएगा नेक्स्ट और फिनिश सेटअप ठीक है दोस्तों तो जैसे ही आप फिनिश सेटअप करेंगे ये इस तरह से ऑप्टोमाइज करेगा आपकी वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट पर कितनी पोस्टें फोटोज़ हैं ठीक है, है दोस्तों तो उनको ये कंप्रेस कर देगा जैसे हमारा है अभी हमारी जो वेबसाइट है उस पर टू इमेजेस है ठीक है दोस्तों मैंने इमेजेस अभी डाली नहीं है मैं और भी डालूंगा ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ही इमेजेस डाली हैं ये लिखा है दोस्तों बल्क स्मैश आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये सर्च कर देगा कुछ ही सेकेंड्स में आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजें हैं उन्हें कंप्रेस कर देगा ये देखिए दो इमेजें थी दोस्तों तो इसे इसने उन्हें कंप्रेस कर दिया है तो सेवन पॉइंट के बी का हमारा जो है इसने सेविंग की है यानी हमारी वेबसाइट और स्पीड बन जाएगी अब देखिए रीचेक इमेज इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये फिर से चेक करेगा और ये देखिए पूरा हमें यहाँ बता देगा ठीक है दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे कुछ एक सेटिंग्स करेंगे देखिए यहाँ लिखा है इमेज साइज इसे ऑल ही रहने दीजिएगा ऑटोमेटिक कंप्रेशन आप इसे भी ऑन रखिएगा सुपर स्मैश आप इसे भी ऑन रखिएगा दोस्तों मेटा मेटा डाटा आप इसे भी ऑन रखिएगा और बाकी इसे एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिएगा डाउन आके सेव चेंजेस लिखा है आप यहाँ इसे क्लिक कर दीजिएगा और आपकी जो ये देखिए योर साइट सेटिंग हैज़ बीन सेव ठीक है दोस्तों अब हम अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करेंगे उसके लिए दोस्तों दो दो तीन वेबसाइटें चार वेबसाइट बहुत सारी वेबसाइटें हैं पर दोस्तों मैं आपको सिर्फ दो वेबसाइटों के बारे में बताऊंगा एक है जी टी मैट्रिक्स ठीक है दोस्तों ये आगे जी टी मैट्रिक्स जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये देखिए सबसे ऊपर ये आ जाएगी वेबसाइट आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे देखिए यहाँ लिखा है एंटर यू आर एल टू ऑप्टोमाइज़ ठीक है दोस्तों तो हमें अपनी वेबसाइट का जो यू आर एल है उसे यहाँ कॉपी करना है यहाँ हम उसे डाल देंगे ओके और यहाँ टेस्ट योर साइट यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों ये कुछ ही देर में आपको आपकी वेबसाइट को पूरा ऑप्टोमाइज़ करके बता देगा पूरा चेक करके बता देगा कि आपकी वेबसाइट क्या स्पीड है क्या परफॉर्मेंस है आपकी वेबसाइट पर आप गूगल की ठीक है दोस्तों यानी गूगल पर आपकी वेबसाइट की क्या स्पीड है यानी कितना जल्दी आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो देखिए दोस्तों ये बस थ्री और ये फोर हो जाएगा और हमारा जो रिपोर्ट है वो हमें पूरी मिल जाएगी कुछ ही सेकंड्स में हमें हमारी रिपोर्ट भी यहाँ मिल जाएगी बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों जिसमें आप अपनी वेबसाइट की स्पीड यहाँ चेक कर सकते हैं ये देखिए ये हमारी वेबसाइट आ चुकी है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे देखिए ये इसने यहाँ बताया है कि इस वेबसाइट का जो ग्रेड दिया है इसने सी दिया है परफॉर्मेंस दी है सिक्स पॉइंट सिक्सटी वन परसेंट स्ट्रक्चर है इसका नाइन्टी परसेंट ठीक है दोस्तों <coughs> सॉरी यानी इसका मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो है ठीक है दोस्तों चलिए एक और भी वेबसाइट है जो गूगल की अपनी है उसका नाम है दोस्तों पेज स्पीड पेज स्पीड आप इस पर क्लिक कीजिएगा पेज स्पीड पे देखिए तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा दोस्तों आप यहाँ क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ देखिए यू मांग रहा है आप अपनी वेबसाइट का यू आर पेस्ट कर दीजिएगा एनालाइज पर क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों ये कुछ ही सेकंड्स में ये भी आपको आपकी वेबसाइट की फुल रिपोर्ट दे देगा कि मोबाइल पर आपकी वेबसाइट कैसी चलेगी क्या परफॉर्मेंस रहेगी और डेस्कटॉप पर आपकी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस रहेगी कुछ ही सेकंड्स में दोस्तों ये सारा यहाँ आपको कंप्लीट पूरा रिजल्ट पूरी रिपोर्ट यहाँ दे देगा तो दोस्तों जब तक आपने इसको किया है तब तक हम मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ देखिए यहाँ इसकी स्पीड जो है थोड़ी लो है यानी इसका ग्रेड जो है थोड़ा लो है अब इसे हमें और बेहतर करना पड़ेगा दोस्तों तो उसके लिए हमें आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे अच्छे अच्छे उसके लिए हमें दोस्तों अच्छी सी इमेजेस और दोस्तों इमेजेस कॉपीराइट फ्री आप डालिएगा अब कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ये देखिए दोस्तों ये हमारी मोबाइल पर ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस है और डेस्कटॉप पर भी मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ ये देखिए ये हमारी डेस्कटॉप पर परफॉर्मेंस है यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो नाइन्टी है डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर है सेवेंटी सेवन परसेंट ठीक है दोस्तों तो आप इस तरह से ये सारे काम करके इसकी स्पीड भी अच्छी नहीं है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा इन वेब इन वेबसाइट्स को इनका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा अब वहाँ से भी इन्हें लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट ठीक है दोस्तों तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए यही जानकारी अगर आप और जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे तो देखा आपने कितना आसान है अपनी वेबसाइट या अपने आर्टिकल की स्पीड बढ़ाना जी हाँ ताकि आपकी वेबसाइट जो है चुटकियों में ही खुल जाए कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करे तो वो तुरंत ही ओपन हो जाए क्योंकि दोस्तों वेबसाइट कोई सर्च नहीं करता है जब तक वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए तब तक उसका कोई नाम सर्च नहीं करता है जैसे अमेजोन डॉट कॉम है यूट्यूब डॉट कॉम है गूगल डॉट कॉम है ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं दोस्तों उन्हें लोग सर्च करते हैं और मिनटों में ही वो सेकंड्सों में ही सेकेंड मिली सेकेंड्स में ही दोस्तों ओपन हो जाती हैं तो इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट को मिली सेकेंड्स में ही ओपन करवा सकते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपको पता है कि यही प्यार तो हमें मिलता है एंड आई लाइक योर लाइक